यश भैया, हम बाबूजी की बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करते, अब वो ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो हम सब क्या कर सकते हैं? ख्याल तो आप लोग भी मेरा रखते थे पंकज भैया, प्रतीक आप दोनों तो साई की तरह मेरे साथ रहते थे, माँ ने बच्चों की तरह मुझे प्यार किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। और भाभी आप तो छोटे भाई की तरह मुझे प्यार करती थी, लेकिन आप सबके प्यार के बाद भी मैं अकेला था। माँ बाप भाई बहन ये जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन ये जीवन साथी नहीं। जीवन साथी वो होता है जो आपके अधूरेपन को पूरा करे, जो जीवन भर आपके साथ रहे, वो होता है जीवन साथी। मैं यश जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। अकेलापन क्या होता है, सबके बीच में रहने के बाद भी सूनापन क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। वो तो मैं शुक्रगुजार हूं प्रतीक भैया की, शोभा माँ की, बल्कि आप सबकी, जो आपने यश जी का और मेरा पुनर्विवाह करवाया और हमारी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां भर दी। बस अब यही खुशियां हमें बाबूजी की जिंदगी में भी भरनी है। प्लीज मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज एक बार बाबूजी के बारे में सोचिए, उनकी खुशियों के बारे में सोचिए। मैं मानती हूँ वो इस पुनर्विवाह के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें मना सकते हैं। वो बहुत अकेले हैं, उन्हें एक जीवन साथी की बहुत जरूरत है। हम सबका परिवार है, हम सब अपने परिवार में खुश हैं, लेकिन वो खैत्री माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके इस अकेलेपन को दूर करें? एक बार अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखिए, भगवान ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो। एक बार इंसान होने के नाते हम बाबूजी की भावनाओं को तो समझ ही सकते हैं ना। प्लीज क्या शरारती तो पीछे ही पड़ गए, जैसे इनका कोई स्वाद छिपा। कहीं बुड्ढों की शादी के लिए ये घरवाले सब हाँ ना कहते। बुआ जी, बाऊजी को तो मना लेंगे, लेकिन समाज को? अरे क्यों सबका दिमाग भ्रष्ट करने पर तुली हुई हो आरती बहू? समाज बिरादरी मजाक उड़ाएगा हम लोगों का, सब थू थू करेंगे हमारे नाम पर। इस अधेड़ उम्र में पुनर्विवाह? अरे शर्म के मारे सिंधिया परिवार घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहेगा। समाज बिरादरी की परवाह है आपको, लेकिन अपने भाई की नहीं। ये क्या कह रहे हो यश बेटा? मुझे भैया की परवाह है, इसीलिए तो मैं मना कर रही हूँ। इस अधेड़ उम्र में उनका पुनर्विवाह होगा, समाज में सब लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे, मखौल उड़ाएंगे, ताने मारेंगे, वो सह पाएंगे ये सब? कुछ गलत कह रही हूँ मैं? देखो यश, हम सब ने बाबूजी को बहुत तकलीफ दी है, अब दोबारा इस बात का जिक्र उनके सामने कोई नहीं करेगा। तुम्हारे और आरती के दिमाग में जो बाबूजी का पुनर्विवाह का ख्याल था, उसे निकाल फेंको, बस बात कर दो। नहीं भैया, मैं ये बात नहीं भूल सकता और ना ही ये बात यहाँ खत्म होगी। समाज और दुनिया से कहीं ज्यादा फिक्र मुझे अपने बाबूजी की है। बंद कर ये जिद, तेरी इसी बेकार जिद ने तुझे अपने भाइयों से दूर कर दिया है। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर हम तेरी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दुनिया, ये समाज वाले इस शादी को इज्जत नहीं देंगे। क्या तू उन्हें समझा पाएगा, उन्हें मनवा पाएगा? समाज के सामने मैं बाबूजी की पुनर्विवाह की बात रखूंगा,
और सबको मना भी लूंगा। समाज के ताने, उनका गुस्सा मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अपने परिवार पे आज नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है भैया। ठीक है यश बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो तू अपनी जिद पूरी करके देख ले। कल समाज में होली का स्नेह मिलन है ना, तू सारे समाज के सामने अपने बाबूजी के पुनर्विवाह की बात करके देख, फिर मैं देखती हूँ कि सब लोग राजी होते हैं इस बात के लिए या हमारा तिरस्कार करते हैं। ठीक है बुआ जी, तो कल होली स्नेह मिलन पर ही ये फैसला हो जाएगा कि यश जी के मन में जो बाबूजी के प्रति प्यार है उसकी जीत होती है या समाज के रूढ़िवादी सोच की। आखिर क्या करेंगे यश और आरती, कैसे मनाएंगे समाज वालों को अपने बाबूजी के पुनर्विवाह के लिए? काले बाल गाल कोरे गोरे, अरे ओरे ओरे, अरे ओरे ओरे। आगाज जब भाई ये बता, तेरे घर में वो लड़की पतली कमर वाली कमसिन से कौन थी भाई? बस साले खबरदार, जो अपनी कंदी जबान से उसका नाम लिया था आकाश, हमारी भतीजी है वो, बड़े भाई की बेटी, साले शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यार आकाश सुन ना, अरे छोड़ साला। यार देख क्यों भड़क रहा है यार, यार तेरी भतीजी यार हमारी भतीजी हुई। सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी यार। तेरी भतीजी मेरी भतीजी, सॉरी भाई। दोस्त हो दोस्त की हद में रहो। हाँ बोल। ए भाई यार, तुझे तो पता है ना यार, यार इतना भड़क जाता है यार वो, अबे क्यों बोल रहा है यार उसे? पर आ गया ना तेरी बातों में, वो साले को समझाना इतना भी मुश्किल नहीं है। उस साले की भाभी बच गई उस हीरो की वजह से, नहीं छोड़ेंगे उसकी भतीजी को। फाइनली आरती जी, हमें वो तरीका मिल ही गया जो सबकी आंखें खोल देगा। कल समाज के स्नेह मिलन पर हम सबको मना लेंगे। राइट, और केवल परिवार वाले नहीं बल्कि पूरा समाज बाबूजी और राधा माँ के पुनर्विवाह की मंजूरी दे देगा। वैसे अशीब, आपकी बुद्धि तो बड़ी चलती है। अच्छा, मतलब अब तक आप मुझे बुद्धू समझते हैं? हाँ थोड़ा थोड़ा। नहीं आ सकता आरती जी आपके पीछे, सॉरी। इतनी खुशी वाली क्या बात हो गई? कहीं कोई जबरदस्त आइडिया तो नहीं आ गया यश और आरती के दिमाग में? ये लीजिए, इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आरती, आज इन सब चक्करों में दूध पीना तो भूल ही गई ना, लो दूध पी लो। थैंक यू श्वेता, मगर तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? मैं कैसी तकलीफ आरती, आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। कोई हो ना हो लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ यश जी, बाबूजी का पुनर्विवाह होना ही चाहिए। लेकिन हाँ ये भी सच है कि समाज और बिरादरी को समझाना इतना आसान नहीं होगा।
फिर भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। माँ जी और बाऊ जी के लिए कुछ करूंगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सीता जी। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि आप मुझे ऐसी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं आरती, जैसा आप लोग ठीक समझे। चलती हूँ। सॉरी, पता नहीं गलती से हाथ लग गया, मैं साफ कर देती हूँ। रुको, मैं देखती हूँ। आरती क्या? एक सेकंड अशी। मैं करती हूँ शिता। नहीं नहीं, आप ऊपर साफ कर दीजिए, मैं नीचे साफ कर देता हूँ। बाकी बात में कर दूंगी ऐशी, रहने दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। सॉरी, मैंने सब कुछ गंदा कर दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके, रात बहुत हो गई है शिता, मुझे लगता है तुम्हें कमरे में जाना चाहिए। आकाश भैया को अगर पता चला कि तुम यहाँ हो तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम जाओ प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। आरती जी, बेचारी इशिता कितनी अच्छी है, वो तो हमारी हेल्प करना चाहती थी और आपने ब्लंटली मना कर दिया। आरती जी, इसको कितना बुरा लगा होगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था यशी, लेकिन बात यह है कि आप भी जानते हैं कि कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। बाबूजी और राधा माँ के पुनर्विवाह का फैसला होगा कल, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो आपको क्या लगता है आरती जी, हमारे इस प्लान में इशिता को इन्वॉल्व करना रिस्की है? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इश्ता पर भरोसा नहीं है, नहीं मैं उस पर शक कर रही हूँ, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि बाऊजी और राधा माँ का पुनर्विवाह हो, और वो इंसान इसी घर का है। तभी तो देखिए ना, पिछली बार भी जब हम पुनर्विवाह की बात पूरे परिवार वालों के सामने करना चाहते थे, उसी दिन हम सब ने राधा माँ को बाऊजी के कमरे में देखा, और आज फिर से जब हम वो बात छेड़ना चाहते थे तो राधा माँ के गले में गायत्री माँ का मंगलसूत्र। ये दोनों बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना, कोई जानबूझ के कर रहा है ये सब, क्योंकि मुझे राधा माँ पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो कोई तो ऐसा है जो जानबूझ के ये सब कर रहा है ताकि राधा माँ हम सबकी नज़रों में गिर जाए, पर एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है आरती जी, इसके पीछे कौन होगा? वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो कोई भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हमें कल के बारे में सोचना है यशी, हमें केवल अपने परिवार वालों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदलनी है कि अगर कोई दोबारा अपनी जिंदगी को संवारना चाहे तो उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है आरती जी कि हम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे। जी। अरे चाहिए ना कुछ और, हमका चाहिए। सोए नहीं अभी तक, एकदम निशाचर की तरह हो, सोएगी नहीं कभी। आपको क्या है, रहिए मगन दोस्तों के साथ, जी भर के नशा कीजिए, नशे में दूध रहिए। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? बकवास बकवास बंद किया कर अपनी। जब घर में आते हैं तुम्हारी वजह से हमारा नशा उतर जाता है। तो जरूरत क्या है नशा करने की, अकेले, इसीलिए ना
इतना बड़ा घर आपको खाने को दौड़ता है। धन दौलत तो मिल गई लेकिन मन की शांति और इज्जत नहीं मिली। अरे बहुत खुश है हम। अरे किसी चीज की कमी नहीं है आकाश के पास। अच्छा क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं आकाश जी? मान लीजिए ना कि यश ने आपको सिर्फ चंद रुपयों की भीख दी है लेकिन परिवार का सुख नहीं दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया है आपको। क्या सोच रहे हैं आकाश जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। पंकज, प्रतीक, विधि, परिधि, यहाँ तक कि बुआ जी भी हमारे साथ होंगे और वो यश बिल्कुल अकेला होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम होने वाला है और वो यश आपके बाऊजी और माजी के पुनर्विवाह की बात करने वाला है। घर का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं है और इस फूट का फायदा आप उठा सकते हैं। मुझे भी दिखाइए ना अजय। अच्छा मैंने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो आप इतनी जोर के चिल्लाए। आप मुझे घड़ी घड़ी ये महसूस कराते रहते हैं कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, बहुत मोटी हो गई हूँ, गुब्बारे जैसी फूल गई हूँ, है ना? काश काश आप आदमी लोग भी प्रेग्नेंट होते तब आपको समझ में आता कि हमें खुशी के साथ साथ कितना दर्द भी सहना पड़ता है। लेकिन आप आदमी लोग तो कुछ समझते ही नहीं है, ना हमारा मूड स्विंग कुछ भी नहीं, बस बोलना आता है। मोटी हो गई ना इसलिए आप बस मुझे इरिटेट करते रहते पूरे टाइम। आप चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं ये कह रहा था कि आपका हाथ नहीं आपका पांव मेरे पांव पे है। I'm so sorry. और आप भी है ना इतनी देर से चुप है, आउट आउट किए जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि मेरा पैर है आपके ऊपर। मुझे तो लगा कि I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। It's okay, मैडम मोटी। क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा मोटी जी। मोटी? मैंने अभी सुना आपने मुझे मोटी कहा। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आपको आपको मुझे गोद में उठा के वो बेड पे जाके रखना होगा। मैं भी तो देखो कि मेरा सुपरमैन अब भी सुपरमैन रहा या नहीं। भागे मत। मैं तो आरती जी सुपरमैन की तैयारी कर रहा था। उठाना है ना आपको? आप इधर आइए। आरती जी आप सच में बहुत हल्की हो गई हैं। संभाल के ठीक है। मैं कर लूंगी जी। थैंक यू। तो बोलिए आरती जी, आपका सुपरमैन है ना? सुपरमैन नहीं है। क्यों? पहले ऊपर से लाल चड्डी पहन कर तो आइए। आरती जी आप भी ना बहुत नॉटी हो गई हैं। सच में आप कहाँ छुप रही हैं? बाहर निकलिए। हमें यश को समझाना होगा, उसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है। अरे लोग हंसेंगे हम पर, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हमें और बदनामी अलग। भैया लेकिन यश भैया सुन भी तो नहीं रहे। अरे तो छोटे बात करते ना, उसे समझाते हैं उसे। अरे किसे समझाने की बात कर रहे हो तुम लोग? यश और आरती तो सुबह ही घर से बाहर निकल चुके हैं। यश भी ना कभी किसी की बात नहीं सुनेगा। अरे उसे पता नहीं वो क्या करने जा रहा है। क्या हो गया बड़े भैया? हाय, किस पे इतना झुंझला रहे हो? अरे ए छोटे, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? और श्री रामचंद्र जी किधर हैं? दर्शन नहीं हुए ना आज उनके?
अच्छा, तो मतलब तुम लोगों को छोड़कर भाग गए हो। अरे भैया, सौतेला सौतेला होता है और सगा सगा। अब आई कुछ बात तुम्हारे दिमाग में या नहीं?